महज छलावा साबित हो रहे हैं संपूर्ण समाधान दिवस। दूर दूर से आने वाले फरियादियों की नहीं होती है सुनवाई। एक बार नहीं दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होती है सुनवाई। फरियादियों को हर बार मिलती है तारीख पर तारीख। फरियादियों ने लगाई गुहार, मुख्यमंत्री जी मेरी भी सुनो पुकार। जिले में अधिकारी नहीं करते हैं समस्याओं का समय पर निस्तारण। तहसील दिवस का आयोजन शासन ने इस मंशा से किया था कि आने वाली जनता को यहाँ पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन लोग कोसों से दौड़ कर आते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि कई कई बार चक्कर लगाते हैं, फिर भी यहाँ फरियादियों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तहसील दिवस का आयोजन आज से नहीं बल्कि बसपा के शासनकाल से मायावती ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद से लगातार संपूर्ण समाधान दिवस, इसके नाम बदलते रहे, अधिकारी बदलते रहे, लेकिन इन लोगों की सुनवाई ना होना ये आज भी आम बात चली आ रही है। हमारे साथ में दो पीड़ित आज मौजूद हैं और वो एक बार नहीं कई कई बार तहसील दिवस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी इनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं सीधे एक पीड़ित के पास चलता हूं और उनसे पूछता हूं वो कितनी बार आ चुके हैं और उनकी क्या फरियाद थी और उस पर क्यों नहीं सुनवाई हुई। हाँ साहब, आपका क्या नाम है? हमारा कल्लू नाम है। कल्लू नाम है, कहाँ से आप आए हैं? हम हर गांव से आए हैं, केसरुआ गांव से। हर गांव के साथ क्या मामला आपका है? हमारा जमीन वो उसका है, हमारा घर जो था हम बनाए थे, हमको प्रधान ने दिया था रहने के लिए, आबादी की जगह थी तो उसने कहा था कि बना लो इसमें रहो हैं, और उस पे आके एक अभय सिंह जौन है, दबंग आदमी, हर गांव के रहने वाले हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, वो बहुत पैसे। आपने कितनी बार एप्लीकेशन यहाँ दी? चार बार दिया। हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने मुकदमा भी कोई दर्ज कराया है? नहीं, मुकदमा कोई मुकदमा नहीं, कोई मुकदमा। आज आप फिर आए तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? दरोगा जी को एप्लीकेशन पकड़ा दी गई, कहीं इसको देख लीजिए बस। हाँ, इतना हो गया। हाँ, ये इसी तरीके से पहले भी होता रहा। हाँ हाँ, आपका क्या नाम है? नत्थूलाल। नत्थूलाल, कहाँ से आप आए हैं? होशियारी से आप आए हैं। हाँ, आपका क्या मैटर है? मैटर जमीन का है। जमीन का है, आप इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ। कितनी बार आ चुके हैं? दो बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बताया जाता है आपको? हर बार में बताया जाता है ऐसे घूम जाते हैं। इन फरियादियों का कहना है कि जितने भी बार भी आज तक आए हैं, आज तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हर बार केवल आश्वासन मिलता है, तारीख पे तारीख मिलती है और सिर्फ तारीख ही मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। ये जब भी अधिकारियों के सामने पेश होते हैं तो इनको एक इनकी एप्लीकेशन ले ली जाती है और संबंधित अधिकारी या पुलिस विभाग को देकर उसकी इतिश्री कर ली जाती है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या नाम है तुम्हारा? विशुनदयाल। विशुनदयाल, कहाँ से आप आए? जगन्नाथपुर से। यही सीतापुर थाना है जी? तहसील सीतापुर है, थाना इमलिया है। क्या मामला है आपका? मामला हमारा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, हम दो साल से दौड़ रहे हैं बराबर। तहसील दिवस में भी जमा किया है और यहाँ भी जमा किया है। क्या बताया जाता आपको है? यही बताया जाता है कि अभी नहीं बन पाएगा और सबका बन रहा है। आप पात्र हैं? हाँ पात्र हैं। पात्र हैं जी। कितने जमीन है आपके? जमीन बीघे 1.5 बीघे होगी बस। मतलब पात्र हैं। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं बन पा रहा है।